अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं किरण खान, आज ज़्यादा शोर मचा रही हैं एज यूजुअल, जो हमेशा से मचाती आ रही हैं। अब वो शोर क्यों मचा रही है मैं आपको बताऊं। मेरे रूम में है जनाब ट्रेडमिल, मैडम ट्रेडमिल पे चढ़ती हैं लेकिन उतरना नहीं आता। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप यकीन करें 100 दफ़ा दिन में चढ़ती है और 100 दफ़ा मुझे उतारना पड़ता है। इंशाल्लाह ट्रेडमिल पे और वेट लॉस पे एक पूरी वीडियो बनाऊंगी जो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मैं आपको मोटे लोग हैं उनको जो डाइट चार्ट बताऊँ वो उसे फॉलो करेंगे और वेट लॉस करेंगे। अच्छा, ये तो बनाएंगे एक सेकंड वीडियो। आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ, आज मेरी छोटी लिटल सिस जिसकी 2 वीडियो मैंने अपलोड की हुई हैं, आपने देखा होगा, एक ईद मेकअप और एक पार्टी मेकअप, वो मेरी छोटी सिस्टर है। तो उनकी आज बर्थडे है तो मैंने उनकी बर्थडे पे जाना है, तो मैंने सोचा जो मेकओवर मैं आज करूँगी, जो मेकअप लुक आज मैं डन करूँगी वो आप लोगों के साथ शेयर की जाए। प्राइमर मैंने अपने फेस पे अप्लाई किया हुआ है, अब मैं अपने फेस पर बेस अप्लाई करूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी आज की लुक। इस तरह से दुपट्टा लेके बेस बनाना भी बहुत बड़ा आर्ट है, क्योंकि गर्दन पर भी बनानी थी तो मुझे पोज करके पहले अपनी नेक पर बनानी पड़ी बेस, और क्या कहते हैं माथे वगैरह पे मैंने बना ली। अब फेस की मैं एंटी विस्ट की उसकी आप देख सकते हैं। अब मैं अपने फेस की बेस आपके सामने डन करूंगी, ये देख सकते हैं आप। बेस डन है, अब मैं दूसरा कलर लेके इसका अपनी अंडर आईज को कंसील। ओ माय गॉड, ये इसका ज़रूर रोल है भाई, ये देख सकते हैं आप। ये जो इसके ऊपर ये एक्स्ट्रा सी थोड़ी सी लगाई होती है, मैडम मेरे हाथ में आ चुकी हैं। खैर ऐसे होते ही रहता है, जो एरियाज मुझे थोड़े डार्क लग रहे हैं जिन्हें मुझे कंसील करना है, अब मैं उन्हें कंसील करूँगी इसी से, इसके दूसरे नंबर से। वो जो मैंने पहले नंबर लगाया है वो FS38 है और जिसे मैं कंसील कर रही हूँ आप देख सकते हैं ये आइवरी है, और जो मैंने पहले नंबर लगाया था वो FS38 है, आप देख सकते हैं मेरे कलर टोन पे वो बड़ा परफेक्ट जाता है FS38। आज ज़रा गई है नीचे, आप यकीन करें रूम में एकदम सुकून आ गया। अच्छा गाइस, अब बात की जाए आईब्रो की तो ये देख सकते हैं, ये इस तरह का रिवाज यूके का पैलेट है। ओ माय गॉड, उल्टा दिखा रही हूँ मैं, ये देखिए ये लिक्विड में और ये जो है वो मैट में। पहले ये अप्लाई करेंगे उसके बाद ये कलर्स अप्लाई करेंगे। अच्छा मैं सच बताऊँ, मुझे आईब्रोज बनाना पसंद नहीं है क्योंकि मेरे आईब्रो पहले काफ़ी घने हैं, और आप यकीन करेंगे मेरे पास मेरी कोई बचपन की पिक अवेलेबल हुई तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। मैं वो नहीं कहते थे एनक वाला जिन, तो मैं बचपन में कुछ उस टाइप की थी, एनक वाला जिन टाइप की। मेरे काफ़ी घने जंगलात थे जिन्हें जब मैंने पहली दफ़ा बनवाया था तो मेरी लुक बिल्कुल चेंज हो गई थी। खैर अब ये देखें, मैं अपने बिल्कुल लाइट से आईब्रो बनाऊंगी। पहले ये जेल अप्लाई करेंगे, फिर इसके ऊपर इसका शेड अप्लाई करेंगे। पहले मैं ये लाइट से जेल अप्लाई करूंगी दोनों साइडों में ताकि वो जो मैट है वो इस पर ठहर सके। अब मैं इसमें से ये वाला कलर लेकर, ठीक है, ये लाइट ब्राउन जो है ये देख सकते हैं इस तरह से बिल्कुल माइनर से, तो मेरे तो पहले यहाँ घास का जंगल पूरा तैयार है। मैं बिल्कुल लाइट से अपने आईब्रोज को डन कर रही हूँ, ये देखिए जी आईब्रोज डन है। ये वीडियो पोज कर करके बनाते हैं तो इतनी लंबी हो जाती है, मैं सोचती हूँ अगर पोज करके ना बनाऊँ तो फिर तो मुझे आवाम से जुटियाँ ही पड़े, तो 1 घंटे की वीडियो बन जाए। खैर अब ये देखिए, एक लाइट सा कलर लेकर मैं अपनी आईज बेस को डन करूँगी पूरी आईज पर इस तरह से फिंगर की मदद से, ये देखिए ये मेरी पूरी आईज पर डन हो गई है। सेम सेकंड आईज पर देखिए गाइस, लोग कैसे मेकअप करते हैं मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है, हर किसी का अपना अपना मेकअप करने का स्टाइल है, मेरा अपना है, ठीक है। तो प्लीज़ डोंट माइंड जैसे मैं मेकअप करती हूँ, मुझे झेलें और फाइनल लुक देख के बताइएगा कि कैसा हो, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने ये देखे बी क्यूट का सिंगल शेड है, ठीक है, नंबर है 05, ये मैंने लिया और अपनी ये देखिए जी मैंने क्रीज लाइन पे अप्लाई किया
ये बहुत शाइनिंग वाला कलर है, इसमें बहुत ज़्यादा शाइनिंग है, ग्लिटरी ग्लिटरी है, मेरा मन पसंद। आई लव ग्लिटरी ग्लिटरी मेकअप, मुझे ग्लिटरी मेकअप बहुत अट्रैक्ट करता है बनिस्बत मैट के। अच्छा सच करूँ कहूँ गाइज, मैं बहुत लॉन्ग टाइम बाद अपनी आईज़ पर वेलवेट आई शेड अप्लाई कर रही हूँ। मैं हमेशा या तो टेराकोटा यूज़ करती हूँ, मैट यूज़ करती हूँ, या शिमरी शेड यूज़ करती हूँ। ये वेलवेट आई शेड आज मैं यूज़ कर रही हूँ, ये इस तरह का देख सकते हैं आप, क्रिस्टाइन का पैलेट है। इस पूरे पैलेट का मैं रिव्यू शेयर करूँगी ज़रूर आपके साथ, इसके तमाम कलर्स शेयर करूँगी। तो आज मैं कुछ ब्लू सा कलर अप्लाई करूँगी, बिकॉज मेरे ड्रेस में आप देख सकते हैं ब्लू है, मैंने ये ब्लू कलर लिया और मैं ये आईज के दरमियान में फिल कर दिया। ये देखें, नो डाउट यार, लुक्स गुड। ये अच्छे शेड है, नाइस पिगमेंटेड, बहुत जल्दी से मिक्सअप होने वाले और बड़े ग्लिटरी से बड़े खूबसूरत शेड है ये। मैं इसका रिव्यू आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, मुझे बहुत पसंद आया ये। मैंने भी आज ये फर्स्ट टाइम अप्लाई किया है, ये देखें गाइस, दरमियान में ब्लू अप्लाई करने के बाद मैं ये ग्रे कलर लेकर कॉर्नर्स को लाइट ग्रे कलर से फिल कर रही हूँ। ये देखें ब्लू और ग्रे को मिक्स करके अप्लाई कर रही हूँ कुछ इस तरह। अब एक अच्छा सा वाइट शेड सेम ग्लैमरस फेस का लेकर इस तरह से आईब्रोज को हाईलाइट, ये देखो बिल्कुल माइनर सा, ये देखो इस तरह। अब एक लाइट शेड लेकर आईज के नीचे पूरा इस तरह, ये देखिए, ये मैंने लिया लाइट पीच शेड, ये भी उसी का है, ठीक है, ये शेड है, ये देख सकते हैं आप। अब मेरे मेकअप का मोस्ट फेवरेट पार्ट, मेरी स्पार्किंग ग्लास। क्रिस्टाइन की भी बहुत अच्छी है, बी क्यूट की भी बहुत अच्छी है, और मैंने फिलहाल ये दो ही यूज़ की हैं, इसलिए झूठ बोलने की लोड़ कोई नहीं। तो मैनू बी क्यूट की भी इतनी अच्छी लगती है, लेकिन क्रिस्टाइन की ज़्यादा अच्छी है। ये स्पार्किंग डस्ट लेकर, ये ज़रूरी नहीं है जिस कलर का आई शेड है स्पार्किंग डस्ट उसी कलर की हो, हर कलर की स्पार्किंग डस्ट चलती है, हर एक स्पार्किंग डस्ट चलती है। एवरीवन, मेरा जो फेवरेट मस्कारा भाई है वो आजकल मुझसे नाराज है, कल भी खो गया था, नहीं मिला, आज भी नहीं मिला, तो आज हम दिए ग्लैमरस फेस का, अच्छा है लेकिन वो ज्यादा अच्छा है, तो फिलहाल गुजारा करेंगे। ग्लैमरस फेस का मस्कारा लगाऊंगी मैं, वो जो है वो एसेंस का है, और मस्कारों में मेरा फेवरेट ब्रांड है वो, जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इस वक्त वो मिल नहीं रहा, वो पता नहीं क्यों नाराज है, तो भी इसी से गुजारा करें। ये देखें जी, मस्कारा अप्लाई करते करते यहाँ लग गया है, ये कहते हैं जी जिसका हस्बैंड उससे मोहब्बत करता है उसके मस्कारा। अब ये अल्लाह ही जाने इसमें कितना सच और कितना झूठ, लेकिन अगर आपके ऐसे लग जाए तो पहले आपने उसको वॉश करना है गीला स्पंज करके, और फिर इस तरह लूज पाउडर या फेस पाउडर लेके, ये देख सकते हैं गैप हो गया, लेकिन हस्बैंड का प्यार गायब ना हो, बस ये आपका मस्कारा गायब हो। अब हम फेस कंटूर करेंगे, यकीन करें इस तरह दुपट्टा लेके मेकअप करना भी एक आर्ट है, तो मुझे सल्यूट होना चाहिए जो मैं बहुत मुश्किलों से कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आदत है ये दुपट्टा शुपट्टा फेंक के और ड्रेसिंग के आगे खड़े हो जाना और मेकअप करना।
अच्छा एवरीवन, ये मैंने अपनी बूथी को कंटूर किया है। अब मैं जल्दी जल्दी ब्लश ऑन, पहले वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है, ये देख सकते हैं, बस ब्लश ऑन और लास्ट लिपस्टिक। ये मैंने ब्लश ऑन अप्लाई किया थोड़ा सा नोज़ पर, मेरी नोज़ काफ़ी खड़ी है तो मैं यहाँ थोड़ा सा अप्लाई करूँगी तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। जिनकी चिपटी नोज़ है, बैठी हुई है, प्लीज़ वो ना अप्लाई करें, और गंदी और चिपटी और बैठी हुई लगेगी। हाईलाइट जल्दी जल्दी, आप यकीन करें एवरीवन, मुझे लिपस्टिक लगने में बहुत टाइम लगा है क्योंकि लिपस्टिक वो उम्र यार की जंबीर में से निकालनी थी जो कि खैर लिपस्टिक जो थी वो बॉक्स में नीचे पड़ी हुई थी, तो उसे ढूंढने में मुझे बहुत वक्त लगा क्योंकि मुझे वही लिपस्टिक लगानी थी। अच्छा, तो मेरी आउटलाइन पेंसिल ये लेकर मैं बिल्कुल लाइट से अपनी आईज के अंदर ये देखेंगे, मैंने आईज में लगा ली, इसी की मैं आउटलाइन लगाऊंगी। ओके जी, ये मेरी लिपस्टिक है, स्वीट टच लंदन, मेरा फेवरेट ब्रांड हर चीज़ में, ठीक है, मेकअप के तमाम कॉस्मेटिक्स में। मैं इसकी लिपस्टिक के रिव्यू ज़रूर शेयर करूंगी, आप लोग मुझे दुआएं देंगे, ये अच्छी लिपस्टिक है। ये देखिए, मैंने लिपस्टिक को आउटलाइन पेंसिल के साथ मिक्स कर दिया, अलग से नहीं दिखनी चाहिए। ये देखिए गाइस, ये टिश्यू पेपर, इससे आपकी लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग रहती है। जब भी हम घर से कहीं बाहर जाते हैं तो मेरे पर्स में अगर मैंने इस तरह का मेकअप किया हो या नॉर्मल मेकअप भी किया हो तो और कुछ अवेलेबल होना हो, मैं लिपस्टिक ज़रूर रखती हूँ। और आप यकीन करें, हाँ 10 मिनट बाद मैं निकाल के अपनी लिपस्टिक को रीटचअप कर रही होती हूँ और मेरी मम्मी से मुझे इतनी गालियाँ पड़ती हैं, इतनी इंसल्ट करती हैं वो कि किरण लिपस्टिक को बाइट करो और थोड़ी सी खा लो। वो ऐसे नहीं कहती, वो कहती हैं किरण सुखी नू चक मार तक खा ला, वो पंजाबी में बोलती हैं, मैं सर इंग्लिश में बोल रही हूँ, बाइट करो और खा जाओ। वो ऐसे नहीं बोलती, वो बड़ी बेइज्जती करके डांट के कहती है, बस चले तो सुर्खी खा जाए, बिकॉज आई एम लिपस्टिक लवर एंड आई एम मेकअप लवर, मुझे मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है और मैं मेकअप लवर हूँ। तो हर किसी की भाई कोई ना कोई कमजोरी होती है, साड़ी सुर्खी है। तो ये देखें जी, ये भी कहते हैं मियाँ मोहब्बत करें तो दांतों पे लिपस्टिक लगती है या मस्कारा लगाते हुए लगे, पता नहीं अभी बातें कितनी सच्ची हैं और कितनी फेक है। खैर, ये था मेरा फाइनल लुक, उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो और मेरी बकवास आपने इतनी देर झेली है, ये भी बहुत हिम्मत ग्रिल गुर्दे का काम है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह ताला और न्यू वीडियोस और न्यू कंटेंट लेके हाजिर होते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।